कलकत्ता। मैंने बोला मैं कलकत्ता आ रही हूँ, शाम को मैं कलकत्ता मिलूँगी। तो बोलता मैं नहीं, वहाँ से निकल गया हूँ कलकत्ता से। तो आप सोचिए कि क्या रवैया है पुलिस का, वो मिलना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। हर जगह जहाँ भी गलत काम होता है पुलिस को 2 दिन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मुझे लगता है मेरे लेटर आने के बाद यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है एसपी का भी, जो पहले एसपी था, और ये नया एसपी आया है, ताकि ये कह दे, हाथ खड़े कर दे कि मेरे सामने नहीं हुआ था ये सब, ये तो पुराने एसपी के टाइम हुआ था। कौन आंसरेबल है? डीजी नया है इस सब घटना के बाद, डीजी नया है, उसको नहीं पता, आंसरेबल कौन है? और जो लोगों को ट्रांसफ़र किया है, क्या उनको पनिशमेंट दिया है या एक और अच्छी पोस्टिंग दी गई है कि आपने अच्छा काम किया है, चलिए आपको बढ़िया ट्रांसफ़र देते हैं? क्या क्या हुआ है सरकार ने इसके ऊपर, क्या कार्रवाई करी है? FIR क्यों नहीं महिलाओं की रजिस्टर हो रही? इलेक्शन क्यों नहीं लड़ने दिया जा रहा? गलत अनाउंसमेंट क्यों हुई? क्यों उनके पेपर छीने गए? बहुत सारे क्वेश्चन है जो सरकार को करने हैं। मैंने अभी ममता जी से भी अपना रिक्वेस्ट भेजा है कि मैं मिलना चाहती हूँ। अच्छा होगा कि मैं यही रिक्वेस्ट भेज दूँ, नहीं चाहती कि पॉलिटिकल कोई बात हो सोशल मीडिया पे, लेकिन अगर वो जवाब नहीं मिलेंगे तो वो जवाब भी सोशल मीडिया के थ्रू पूछने पड़ेंगे या मीडिया के थ्रू पहुँचने पड़ेंगे। अच्छा हो, एक महिला हूँ मैं भी और वो भी महिला है, और महिला होने के नाते उनको अपने राज्य की महिलाओं की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका सुरक्षा देखें वो। मुझे नहीं लगता वो सुरक्षा देख रही है। आपके पास कितना कंप्लेंट है? मैं आई एक कंप्लेंट के लिए थी, लेकिन कल 40 लोग मुझे आके मिले हैं और आज भी यहाँ मिले हैं, और अभी मैं आगे मिलने जा रही हूँ कंप्लेनेंट से। ये तो एक फ्लड है लोगों का, अभी तो जितने लोगों को पता चल रहा है, जो आ पा रहा है मिलने, मेरे पास लिमिटेड टाइम है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के, मुझे लगता है 2 महीने भी बिताऊँ तो ये कंप्लेंट्स आती रहेंगी, इतनी कंप्लेंट्स हैं यहाँ पर। बात किया ना, रिपोर्ट कहाँ भेजेंगे? रिपोर्ट होम मिनिस्टर को दूंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतनी ही पावर्स हैं कि मैं यहाँ आके एक्शन नहीं ले सकती। अगर एक्शन ले सकती तो मैं ले चुकी होती। मेरे को रिपोर्ट देने की ही है पावर, और मैं ये रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर तक भी भेजूंगी। लेकिन चीफ मिनिस्टर अगर चाहती तो बिना रिपोर्ट के भी काम कर सकती, और नहीं करना चाहेंगी तो रिपोर्ट के साथ भी नहीं करेंगी। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं भेजूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँ थ्रू मीडिया कि प्लीज़ इन औरतों की हेल्प करिए। यू आर ऑल्सो अ वुमन, प्लीज़ हेल्प दीज वीमेन।